हाँ ये अभी जो किताब पहुँच नहीं जाएगा लेकिन उसका एक फोन अगर संपूर्ण जो बराबर भुजाओं के बीच का फोन अगर संपूर्ण हो उसको हम क्या कहते हैं संपूर्ण। तो पहले निकालो 2 मीटर भुजा वाले लिखो नीचे 2 मीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना होता है By his question, she means well, well that the king is a. और फिर ह्यूमन बीइंग आदमी के लिए प्लांट्स जरूरी है ठीक है। वही कहानी है ये मोती निशानी। ह्यूमन पॉपुलेशन हैव ऑलवेज बीन इन फ्लक्स। ह्यूमन पॉपुलेशन हैव ऑलवेज बीन फ्लक्स इन फ्लक्स। फ्लक्स मीन्स चेंज निरंतर तब्दीलियां निरंतर इसमें चेंजिंग। मैं सेकेंडरी स्कूल डायन हूँ। मेरा नाम शहबाज अहमद है। मैंने PRCN 2010 में किया है, कामटी से किया है। और ये इसका मेरा बटालियन का नाम है 11 बटालियन NCC पटना का इंद्रनगर इसका हेडक्वार्टर है। और हमारे यहाँ बच्चों को 100 बच्चों को परेड जो है इसको तैयारी कराई जाती है। डिफेंस के बारे में उसको पूरी जानकारी दी जाती है, आर्म्स के बारे में जानकारी दी जाती है और उसको फिजिकली मोटिवेट किया जाता है कि वो फिजिकली बहुत अच्छा करें और आगे भी वो जो है अच्छे से अच्छा काम करें। जब से यहाँ कंप्यूटर वगैरह आया है तब से यहाँ का जो है यहाँ बहुत बच्चे बहुत एक्टिव हो गए हैं और इससे उनको बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। खास करके इसका जो मेन मोटो है NCC का जो यूनिटी एंड डिसिप्लिन उसको बरकरार रखते हुए बच्चे जो है कंप्यूटर भी कुछ सीख रहे हैं जिससे उनको आदमी कंप्यूटर अगर 5 करना तो यहाँ से 5, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है। ये मेरा सेट हो गया। इसमें कितना कॉलम है? कॉलम कितना है? कॉलम है इसमें 4, 1, 2, 3, 4। चार कॉलम है, रो कितना है आपका? 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है। आप इसका क्या कर सकते हैं? इसका हाइट भी बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं ठीक है। हाइट काम करेगा लेआउट पे से। लेआउट पे क्या है? यहाँ पे एक ऑप्शन है हाइट का ठीक है। 0. कितना है? 19 इसका भी हाइट है तो थोड़ा बढ़ाएंगे यहाँ पे से। बढ़ाते हैं कुछ बढ़ा yes, sir. उसी तरह नीचे में आएंगे फिर इसको बढ़ाएंगे। उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉलम का विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। ये जो इसका चौड़ाई है इसको और हमको बढ़ाना है। मान लीजिए कुछ छोटा हो जा रहा है हमको और बढ़ाना है तो हम लोग यहाँ विड्थ से बढ़ा सकते हैं। पहले क्या करेंगे वहां पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे विड्थ में बढ़ रहा है। उसी तरह सेकेंड वाले के पास जाएंगे उसको बढ़ा सकते हैं। उसी तरह थर्ड वाले में, उसी तरह फोर्थ वाले में ठीक है। हम क्या कर सकते हैं किसी का वॉल्यूम हाइट को आप इसको बढ़ा सकते हैं ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये आपका टेस्ट डायरेक्शन है। अगर इसको क्लिक कीजिएगा तो वो आपको बिल्कुल सेंटर में लिखाएगा। जैसे यहाँ कुछ लिखते हैं हम लोग, चलिए ये हमने लिखा, ये अभी कहाँ है? अगर इस कॉलम को अगर हम लोग देखें तो ये अभी ऊपर में, बिल्कुल इसको सेंटर में लिखना होगा। बस क्या करेंगे,
है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ, मेरा रोल नंबर 31 है। कंप्यूटर आज के युग में बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें कंप्यूटर सिखाया जा रहा है। कंप्यूटर आज रेलवे में, मेडिकल में, बड़े ऑफिस में, हर जगह खोजी जा रही है। कंप्यूटर से हम रेलवे के टिकट का टिकट के दाम भी जान सकते हैं, स्टॉपेज जान सकते हैं, ये भी जान सकते हैं कि हमारा बिजली बिल कितना आया है। हम बिजली बिल भी जमा कर सकते हैं, अपने अकाउंट से बैंकिंग भी कर सकते, अपने नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं कंप्यूटर से। इसीलिए हमारे स्कूल में ICT एट स्कूल द्वारा कंप्यूटर सिखाया जा रहा है, जो हमें आसिफ सर सिखा रहे हैं। हम अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आसिफ सर हमें पूरी तरह से तैयार कर देंगे। धन्यवाद। कैसे हो गया, एक साइड से बैठ लेगा आप लोग, तुम लोग 4 फुट के अंदर चले जल्दी, जिससे पूछेंगे कौन सा देगा अच्छा, तीसरा राउंड में चलेगा, किसी को भी आंसर देने के लिए वो फ्री है। जैसे मुंह से मेरा क्वेश्चन समाप्त होगा, आप लोग आंसर देने के लिए स्वतंत्र है। एक रेडी, तो पहला क्वेश्चन जाता है, टीम एक बजी में तैयार है। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? आप लोग नहीं बोलिएगा, चैप्टर के आंसर दीजिए। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैरी कॉम, वेरी गुड। टीम बी को मिले पूरे 10 रन। माइकल सुमाकर किस खेल से संबंधित है? टीम ए के सवाल के लिए सवाल है, माइकल सुमाकर किस खेल से संबंधित है? अगर आप लोगों को ऑप्शन चाहिए, विकल्प चाहिए, तो कोई मैं देने के लिए तैयार हूँ। चलिए, ऑप्शन ए कार रेसिंग, ऑप्शन 2 रेसलिंग, ऑप्शन 3 बैडमिंटन, और चौथा है लॉन टेनिस। मार्केट शॉप्स में होने लगा है, मॉल्स में होने लगा है। ICT एट स्कूल के द्वारा हमारे स्कूल में भी कंप्यूटर लैब उपलब्ध किया गया है, इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। धन्यवाद। चलिए लाइन से जाइए।